माधुरी मैम तो इस फिल्म के लिए पहले श्रीदेवी जी को अप्रोच किया गया था और सैडली तो मतलब अनफॉर्चुनेटली उनकी डिमाइज हो गई और आपको ये रोल आ, 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 के लिए अप्रोच किया गया आपके मन में क्या चल रहा था जब आपको ये अप्रोच किया गया इस रोल के लिए क्या एक्स्ट्रा प्रेशर था कि श्रीदेवी का रोल आपको करने के लिए दिया गया well, um, एक तो बहुत दुखद uh, बात हुई थी तभी ही और uh, जब आई वॉज अप्रोच टू डू दिस रोल एक हैवी हार्ट था, था तभी बहुत दिल में बहुत सारी भावनाएं थी क्योंकि एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट अच्छी इंसान थी वो और उनके साथ ऐसा हुआ लेकिन टू स्टेप इन टू द रोल जब आप एक एज एन एक्ट्रेस बात करते हैं तो एक अलग बात है क्योंकि जब रोल मिलता है तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से करते हैं लेकिन कोर्स um, उनकी याद हमेशा आती थी सेट पे क्योंकि uh, वो uh, Uh, मतलब करने वाली थी इस रोल को लेकिन फिर जब आप शुरू करते हैं काम तो उसके देखना पड़ता, पड़ता तो um, you know, संजय सर और माधुरी आप से आपने बहुत सारी आप दोनों ने साथ में फिल्में की बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी कैसा रहा इतने साल बाद दोबारा साथ में काम करना कुछ अगर शेयर कर पाए दोनों जैसे मैंने ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि बहुत अच्छा लगा और बहुत समय के बाद uh, मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ और यही कोशिश करूँगा कि ज़्यादा काम हो और क्या करण करण टू टू अज़ा लेफ्ट टू अज़ा लेफ्ट आज जस्ट क्योंकि आई थिंक हम कितने 20 प्लस इयर्स के बाद काम कर रहे हैं साथ में और uh, uh, हाल ही में मैंने अनिल जी के साथ भी बहुत सालों बाद काम किया था सो इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू वर्क विद यू नो को एक्टर्स यू वर्क विद बिफोर और uh, इसमें भी uh, वैसा ही लेकिन आई थिंक इट्स बीन वंडरफुल एक्चुअली मेरे पास भी एक सवाल है क्योंकि जब सेट पे थे तो संजू सर माधुरी मैम मतलब मैं ऑब्वियसली मैम ही बुलाऊंगा बट ये भी मैम ही बुलाते थे <laughs> <laughs> तो मैं थोड़ा तो तुम भी सीखो तुम भी मुझे मैम बुलाओ मैं तो करण <laughs> <laughs> मैं मैं तो मैं तो आपको बुलाता करण करण सर, कलंक आपके फादर की फादर का सपना था और वो उनके दिल से काफी ज्यादा करीब था तो अब आपको जब कलंक फाइनली रिलीज हो रही है और ट्रेलर इतना बेहतरीन है तो आपको उन पलों की कुछ टीजर इतना बेहतरीन है तो आपको उन पलों की कुछ याद आती है जब आपने, आपके डैड ने आपको ये स्टोरी सुनाई थी अगर आप कुछ बता पाए तो एक्चुअली कहानी ये जैसे कि मैंने कहा है कि 2003 में जब कल होना हो रिलीज हो रही थी तो उसके बिल्कुल दो महीने बाद Uh, इस कहानी का जो जर्म था जो आइडिया थी वो मेरे ज़हन में आ गई थी <coughs> उसके बाद ज़्यादा बताना नहीं चाहूंगा तो वो खुद गए थे कुछ एरियाज में रिसर्च करने और वो बीमार भी थे वेल uh, well. लेकिन उनका पैशन वो पहले करियर में फोटोग्राफर हुआ करते थे तो ही वेंट एंड टुक सम

कभी कभी मैं ये कहानी सबके साथ शेयर किया करता था आई थिंक धर्मा प्रोडक्शन में जो भी मुझसे करीब है वो सब जानते कि कलंक की कहानी क्या है और एक दिन मैंने अभिषेक वर्मन को वो कहानी बताई और उन्हें बहुत पसंद आया एंड आई जस्ट दैट ही वुड वुड द फिल्म बी इन राइट हैंड्स विद हिम तो उन्होंने डेवलप किया और आज जब मैं पिक्चर देखता हूँ मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर बहुत सारी फिल्में बनती हैं कंपनी में हर फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है लेकिन ये मेरे लिए एक मैं कहूँगा स्पेशल से ज्यादा इमोशनल है

On your left. So first of all, congratulations to you and the team. The, uh, the teaser is fantastic. My question to you is, in the teaser we saw that the, uh, uh, during the titles, uh, all the female leads' names were first. And then there was uh, the male cast uh, names. So was that a conscious decision? My dear, you and I were brought into this universe by women. Yes. Uh, and, 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 and I've been raised by a group of strong women and these three wonderful women are the heart soul and spine of kalank there is no way there is no way in hell that the men could ever match up to their prowess their beauty and their intellect and that is the reason why they stand tall and proud and first in the series of events Hello? so my, my i'm waiting for the day that this, this question won't even pop up it shouldn't be a surprise

um, blew me away and um, Abhishek's uh, vision which was really clear and then when you have a director that um, can put his message across to you about how he's seeing something and you feel safe and comfortable about that, I think everyone feels good in their place. I Alright, I we know, have two honestly, questions. We I have just two have to more say questions. say that it's a, this film, since you said ensemble, it's a true ensemble film. So that means every character is a primary character. Even if you see a monkey, he'll also be a primary character. There's no monkey, so, yeah, but... It's, it's, it's a, a true it answer. So yeah. There's a bull. There's a bull. bull. Okay, oh, yeah. sorry. I'm just thinking in case you it see a, mon I think I think a monkey. Karan. Karan. Stop confusing Karan. the audience. Yeah, the bull and... Karan. Uh, yeah. This is a film Karan. about these six people and their relationships and what they go through, what changes their lives. So, I think everyone has a very, very important role to play within the film. Karan. Karan. We have last Karan. two Karan. questions, yeah. Karan. and gentlemen. Towards your right, Karan. Karan. कैसे मैंने तैयार किया उनको देखिए देखिए मैं एक्चुअली डिजाइनर नहीं फिल्म मेकर हूं तो मैंने इनको बिल्कुल तैयार नहीं किया काफी तैयार होके खुद आए हैं ये और आई थिंक ये आर्टिस्ट हैं ये आर्टिस्ट हैं तो ये अपना रोल देख के और फिल्म देख के और फिल्म की इमोशनल और तो इसलिए ऐसे कोई, कोई मेहनत तो मैंने किसी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए रिजर्व नहीं किया सबसे ज्यादा मेहनत मुझे आई थिंक फॉक्स और साजिद के साथ लगा है भैया <laughs> ये पिक्चर बनानी चाहिए इस बजट में या नहीं भैया आप ऐसे लग रहे जैसे आपको बहुत मजा आया ये देख के ट्रेलर हां हां और ये गुफ्तगू भी करके इनके साथ और भी मजा आए आपको करण हिल उठिए जी ए वन लास्ट क्वेश्चन करण करण या करण यस यस सर यू हैव अ क्वेश्चन फॉर संजू करण आई हैव वन क्वेश्चन फॉर आलिया एंड वरुण हां सो आलिया वरुण वी हैव सीन यू इन हम्टी बद्री एंड स्टूडेंट स्टूडेंट ऑल अर्बन कितना डिफरेंस हुआ इनमें बड़े हो गए की वो बच्चे थे 2012 में जब उन्होंने स्टूडेंट के किरदार निभाए थे और आज अभी मुझे लगता है कि बड़े हो गए हैं आपने अगर विजुअल्स देखे होंगे तो ऐसा लगता है कि सब बड़े हो गए बट वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री फिल्म्स सो सम थिंग्स डोंट चेंज बट वरुण सर के साथ काम करके

Then Alia and then we became friends. Yeah, no, but to be very honest, it's lovely. I love working with him, and um, he is very very same close to, to my heart. And um, I have to say, he is fantastic in the film, in my <laughs> eyes.

अरे भैया मैं जेल गया हूँ वो कलंक वो अभी मिट गया लगता है